अस्सलाम वालेकुम। हाँ ISSB प्रिपरेशन ए टू जेड के साथ दोबारा हाजिर हूँ मैं। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि ISSB से पहले जो इनिशियल टेस्ट होता है PMA लॉन्ग कोर्स के लिए, पाकिस्तानी एयरफोर्स के जितने कोर्सेज़ आते हैं, GDP वगैरह और इंजीनियरिंग या डिफेंस, जितने भी कोर्सेज आते हैं, इसमें मैं आपको ख़ास तौर पे इंटेलिजेंस टेस्ट के बारे में बताने लगा हूँ कि बहुत से लोग जानना चाहते हैं कि इंटेलिजेंस टेस्ट क्या चीज़ है। तो इस वीडियो में मैं उन्हीं लोगों को गाइड करने लगा हूँ जो लोग इंटेलिजेंस टेस्ट पहले दे चुके हैं, जिनको पता है, वो बेशक ये वीडियो ना देखें, स्किप कर दें और वो वेट करें। उनके लिए मैं जल्दी ISSB के रिलेटेड वीडियोस अपलोड करना स्टार्ट करूँगा, एक बार इनिशियल टेस्ट वगैरह का सब कुछ मैं बता के आगे जब चल पड़ा। तो अब इंटेलिजेंस टेस्ट आप देखेंगे, इनिशियल टेस्ट में उन्होंने दिया होगा कि एक आपका इंटेलिजेंस टेस्ट होगा और एक एकेडमिक टेस्ट होगा। तो इंटेलिजेंस टेस्ट क्या चीज़ है वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो आप जब जाते हैं, आपने रजिस्ट्रेशन कराई, रजिस्ट्रेशन अप्रूव हुई आपकी, उसके बाद आपको सिलेक्शन सेंटर बुलाया जाता है मुकर्ररा डेट और मुकर्ररा वक्त पर। तो आप जाते हैं सिलेक्शन सेंटर पे, वहाँ पे आपसे तकरीबन 300 रुपये प्रोस्पेक्टस फीस ली जाती है। उसके बाद आपकी मैनुअल रजिस्ट्रेशन वो करते हैं और फिर वो आपको टेस्ट में अपियर होने का कह देते हैं, और टेस्ट जो है वो कंप्यूटर पे होता है आपका। तो इंटेलिजेंस टेस्ट क्या चीज़ है वो मैं आपको बता दूँ, बहुत से लोग कंफ्यूज होते हैं, बहुत से लोग रह जाते हैं इंटेलिजेंस टेस्ट में। इंटेलिजेंस टेस्ट जो है, इसका जो मकसद है वो इंसान का इंटेलिजेंस मेजर करने का है। हर इंसान का इंटेलिजेंस लेवल डिफरेंट होता है। हो सकता है कि एक 30 साल के बंदे का इंटेलिजेंस लेवल एक 12 साल के बच्चे से कम है। तो ये इंटेलिजेंस टेस्ट मुख्तलिफ किस्म के होते हैं, इनके थ्रू पता लग जाता है कि इसका इंटेलिजेंस IQ लेवल क्या है इस बंदे का। तो इंटेलिजेंस टेस्ट जो है, ये तमाम फोर्सेस में, तमाम कंपटीशन के एग्ज़ाम्स में, जैसे CSS और NTS वगैरह, इवन कि आप NUST एंट्रेंस टेस्ट वगैरह में भी जाएंगे तो कहीं ना कहीं इंटेलिजेंस टेस्ट आपको मिल जाएगा। उसके अलावा ओ लेवल सिस्टम में, रूट्स वगैरह में, वहाँ तो इनके ओ लेवल के दौरान भी इंटेलिजेंस टेस्ट होते हैं। और बहुत से लोग अनअवेयर होते हैं कि इंटेलिजेंस टेस्ट क्या चीज़ है। तो ये वीडियो सिर्फ उन लोगों के लिए है। इसमें मैं आपको एक बुक भी आप मैंने मेरे पास बहुत सी किताबें थी, तकरीबन 20 के करीब मेरे पास इंटेलिजेंस टेस्ट की किताबें हैं, जिनमें से जो बेस्ट हैं, जिनमें जो मैंने देखा कि बेस्ट हैं, जो सही गाइड करती हैं स्टूडेंट्स को, और जिनमें जो मौजूद इंटेलिजेंस टेस्ट जिस तरह के हैं वो आते हैं उधर इंटेलिजेंस टेस्ट में, जो सिलेक्शन सेंटर पे कंडक्ट किए जाते हैं। तो वो बुक्स मैं आपको बता देता हूँ, तकरीबन टोटल 2 किताबें हैं, आपको कहीं भी उर्दू बाज़ार वगैरह से कहीं भी से भी आपको मिल जाएंगी, सदर से, किसी भी मशहूर इस बुक शॉप से। तो ये पहली जो किताब है, इसका नाम है, ये मैं निकालता हूँ 1 मिनट, ये इसका नाम है डोगर्स यूनिक। डोगर्स यूनिक की ये बुक है, डोगर पब्लिशर्स, हाँ डोगर पब्लिशर्स, ये इस बुक का पूरा कवर, ये कवर पेज है, और सुपर इंटेलिजेंस टेस्ट के नाम से ये किताब है, और ये राइटर्स का नाम भी इधर लिखा हुआ है। तो आप ये ना समझेंगे मैं किसी ब्रांड को कवर कर रहा हूँ, मैं आप लोगों को वो चीज़ बता रहा हूँ जो बेस्ट है आप लोगों के लिए। बाकी आपकी मर्ज़ी है, अगर आपको ये किताबें नहीं पसंद तो आप अपनी मर्ज़ी भी कर सकते हैं, आपका जो दिल करे आप ले सकते हैं। तो लेकिन उनमें इतनी सही गाइडेंस नहीं है। अब आप देखेंगे इनकी जो अपनी PMA की जो किताब बनी हुई है, उसमें उन्होंने और ही चीज़ें दी हुई हैं, उसमें वो चीज़ें आपके टेस्ट में हेल्पफुल नहीं होंगी। PMA के नाम से एक किताब बनी हुई है, वो आपके हेल्पफुल नहीं होगी आपके लिए। तो ये इस बुक या ये फ्रंट फ्रंट है और ये बैक है इसकी, ये देख लें आप, एक बार फिर आपको दिखा देता हूँ। ये
मेरे पास तो पड़ी पड़ी काफ़ी पुरानी हो गई है ये। मैंने भी इसी से तैयारी की थी, मेरे भाई ने भी इसी से तैयारी की थी। आगे जो मैंने जिनको पढ़ाया, जिनको बताया, तो उनको भी मैंने यही बुक रिकमेंड की थी और काफ़ी हेल्पफुल साबित हुई उनके लिए। तो आगे आपको मैं बताता चलूँ, ये इस बुक का पहला पहला टेस्ट है। तो इंटेलिजेंस टेस्ट में अब दो कैटेगरीज हैं, एक वर्बल टेस्ट हो गया और एक नॉन वर्बल टेस्ट। एक वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट होगा, एक नॉन वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट होगा। ये जो आप देख रहे हैं ये वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट है, मतलब इसमें ये रिटन में है सब कुछ। और नॉन वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट क्या होगा, जिसमें मुख्तलिफ शेप्स होंगी, उनमें से आपने निकालना होगा कि हाँ ये शेप ऐसी है, ये इसमें ये डिफरेंट है, ये है वो। तो उनमें, इन दोनों चीज़ों में ये फ़र्क है। तो वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट जो होगा, उस टाइम जब मैंने दिया था इनिशियल टेस्ट, तब तो तकरीबन 90 MCQs आते थे इनके वर्बल के और 90 नॉन वर्बल के। अब मेरे ख्याल से 100 हो गए हैं। तो 90 आते थे वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट के, 90 नॉन वर्बल के, और 50 कोई एकेडमिक टेस्ट के आते थे। PMA की बात कर रहा हूँ। ये एयरफोर्स में अलग, एयरफोर्स में फिज़िक्स भी है, तो वो फिज़िक्स क्या है, फिज़िक्स आपकी फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर वाली है। अब वो इन्होंने लिखा होता, हाँ आपकी जो एकेडमिक्स में आपके जो सब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे एयरफोर्स में अब कुछ ब्रांचेज में मैथमेटिक्स भी रिक्वायर्ड है और कुछ में फ़िज़िक्स भी। तो फिज़िक्स वही है जो आपकी फ़र्स्ट ईयर सेकेंड ईयर वाली है। तो उसमें आपके, अब GDP के लिए जब आप टेस्ट देते हैं, तो उसमें आपसे ये फिज़िक्स का टेस्ट भी लिया जाता है, और जनरल नॉलेज वगैरह तो होती ही होती है, लेकिन फ़िज़िक्स का टेस्ट भी होता है। और फिज़िक्स में ज़्यादातर आजकल क्या आ रहे हैं, न्यूमेरिकल्स आ रहे हैं। उन न्यूमेरिकल्स कौन से हैं, स्पीड, वेलोसिटी, टाइम, इस तरह के। एक्सेलरेशन निकालो, वेलोसिटी निकालो, स्पीड का क्या फॉर्मूला है, वेलोसिटी का क्या फॉर्मूला है। तो यह आपको मैं बताता चलूँ कि आपने अगर फिज़िक्स की तैयारी करनी है, तो आप अपनी फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर की बुक्स में से जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं उनकी तैयारी करें, और इम्पोर्टेंट एब्रीवेशंस और उसमें से जो इम्पोर्टेंट जितनी भी डेफिनेशंस वगैरह हैं, वो सारी आप याद कर लें, और वो आपका टेस्ट पास हो जाएगा। नहीं तो मुश्किल है, क्योंकि अभी फिज़िक्स का ये जो आ रहा है इनिशियल टेस्ट में, पाकिस्तान एयरफोर्स की बात कर रहा हूँ, आर्मी में नहीं होता फिज़िक्स का टेस्ट, आर्मी में एकेडमिक्स होता है, उसमें जनरल नॉलेज वगैरह होती है बस। ये पाकिस्तान एयरफोर्स की बात कर रहा हूँ, उसमें जो इंटेलिजेंस टेस्ट आ रहा है, काफ़ी मुश्किल आ रहा है। क्यों, उसमें न्यूमेरिकल डाल दिए गए हैं, तो उसमें बहुत सारे बच्चे फेल हो जाते हैं, लड़कियाँ भी अप्लाई करती हैं, वो भी फेल हो जाती हैं। तो आप इंटेलिजेंस की अच्छी सी तैयारी करें, और ये एकेडमिक्स की भी, फिज़िक्स की या न्यूमेरिकल्स वगैरह जो हैं। अब आपको आगे PMA का बताता चलूँ, क्योंकि ज़्यादातर लोग PMA में अप्लाई करते हैं। तो हाँ, वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट और नॉन वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट, ये तमाम फोर्सेस में एक ही चीज़ है, ये आते हैं। बाकी आगे एकेडमिक्स वगैरह की डिफरेंट टाइप्स आ जाती हैं। तो आपको समझाना स्टार्ट करता हूँ कि क्या चीज़ है इंटेलिजेंस टेस्ट। जैसा आप लोग ये देख रहे हैं कि एनालॉगी टेस्ट, यानी कि एक जैसी चीज़ें, अब जो चीज़ एक से दूसरे का रिलेशन शो करे, तो रिलेशनशिप, इन दिस टाइप ऑफ टेस्ट सम रिलेशनशिप इज़ शोन। तो अब देखें, ये एग्जांपल की तरफ आ जाते हैं, ये एग्जांपल आप देखें। अब होम इज़ टू मैन, ठीक है, एज नेस्ट इज़ टू, अब घर जो है वो आदमी के लिए है, तो जो नेस्ट है वो किसके लिए होता है, बर्ड के लिए होता है। तो इसमें राइट ऑप्शन जो है वो बर्ड है, क्योंकि नेस्ट में परिंदे ही रहते हैं। अब घर में आदमी रहता है, तो नेस्ट में परिंदे रहते हैं, परिंदे में भी बर्ड, बर्ड बर्ड नेस्ट में रहती है, ठीक है। तो अब इसकी एक्सरसाइज आगे दी हुई है। तो अब मैं आपको बताता चलूँ, वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट में भी आगे मुख्तलिफ़ किस्म के टेस्ट आते हैं, जिनकी टाइप्स इन्होंने लिखी हुई हैं। तो होते ये सारे उन्हीं में इंक्लूड हैं, उन्हीं 90, अगर चले 100, अभी तो 100 होते हैं मेरे ख्याल से। अगर जो 100 आपके MCQs जो होंगे, उनमें मुख्तलिफ़ किस्म के होंगे, वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट में भी और नॉन वर्बल में भी। तो उनकी ये डिफरेंट टाइप्स हैं, ये मैं आपको बता रहा हूँ।
अब हेड इज टू कैप, फिंगर इज टू रिंग होगा, क्योंकि सर पे कैप रखी जाती है तो फिंगर किधर होनी चाहिए, फिंगर में क्या होता है, रिंग होती है, ठीक है। ड्रामा इज रिलेटेड टू डायरेक्टर एज मैगजीन इज टू एडिटर। अब वाटर इज रिलेटेड टू ट्रेड, वाटर इज रिलेटेड टू डैम एज ट्रेड इज टू कॉमर्स, क्यों, क्योंकि ये सारी चीज़ें कॉमर्स में इंक्लूड होती हैं। और आर्गूमेंट इज रिलेटेड टू डिबेट एज फाइट इज टू क्वारल। तो आप समझ रहे होंगे कि इन्होंने ये रिलेशन शो किया हुआ है एक तरह से, कि आर्गूमेंट अगर कर रहे हैं तो उसको डिबेट से शो किया हुआ है, तो फाइट को क्वारल से, और इसी तरह। उसके अलावा आगे चलते हैं, अगला टेस्ट देखते हैं आपका। हाँ, इसी के आगे हम लोग आए तो एज बर्ड इज़ टू फीदर, परिंदे के पर होते हैं तो कैट का क्या होता है, फर होता है। इतनी तो होगी आप में इंटेलिजेंस लेवल, इतना तो होगा आपका कि आप समझ सकें इस बात को। अब ईयर इज़ टू मंथ एज वीक इज़ टू डे, क्यों, क्योंकि अब ईयर, ईयर जो है वो साल, साल को मंथ से तशबीह दे दी गई है, तो हफ्ते को दिन से दे ही जाएगी, लाजमी बात है। अब फूड जो है, फूड इज़ टू ग्रोथ, फूड खाने से, फूड कंज्यूम करने से ग्रोथ होती है। सो एज नॉलेज, तो नॉलेज हासिल करने से क्या होता है, विजडम, ये विजडम, अकल बढ़ती है ना। हैंडसम इज़ टू ब्यूटीफुल एज ही इज़ टू शी, समझ रहे हैं आप बात को। अब सक्सेस इज़ रिलेटेड टू हार्ड वर्क एज फेलियर इज़ टू लेज़ीनेस, अगर हार्ड वर्क करोगे तो सक्सेस मिलेगी, अगर लेज़ी रहोगे तो फेलियर, फेल होगे। अब पुअर इज़ टू रिच, गरीब जो है वो अमीर, अगर एक तरह से तशबीह दी गई गरीब को अमीर से। अब पाउपर इज़ टू, पाउपर कौन होता है, जिसके पास खाने के भी पैसे ना हो, गरीब से भी ज़्यादा गरीब। और पाउपर इज़ टू, अब ये पुअर इज़ टू रिच था, तो पाउपर इनमें से क्या होगा, आप खुद सोच लें। अब पुअर का भी, पुअर से भी एक दर्जा कम पाउपर हो गया, तो रिच से एक दर्जा ऊपर मल्टी मिलियनेयर। अब अगला देखें, 11 देखें, गोल्ड इज़ टू ऑर्नामेंट्स एज वुड इज़ टू फर्नीचर, गोल्ड से जो है वो ऑर्नामेंट्स बनते हैं, तो वुड से क्या बनता है, फर्नीचर बनता है, ये तो सारे आपको पता होगा। अब म्यूल इज़ टू पैक एज ऑक्स इज टू यॉक, म्यूल के ऊपर वो जो एक दर्री टाइप जैसे रखी जाती है सामान उठाने के लिए, म्यूल खच्चर को कहते हैं, तो उसके ऊपर वो चीज़ रखी जाती है, तो ऑक्स जो आप देखते होंगे ये गांव में ऑक्स जो होती हैं जिनसे हल चलाया जाता है, तो उनके सर के ऊपर इसी तरह एक चीज़ बांधी जाती है, उसको योक कहते हैं, तो एज ऑक्स इज़ टू योक। इस तरह के जो मुश्किल वर्ड वाले हैं ना, ये कम ही आएंगे, ज़्यादा नहीं आएंगे, लेकिन फिर भी जो आते हैं तो वो इन्हीं में से आएंगे। स्टैचू इज़ टू शेप एज सॉन्ग इज़ टू, अब स्टैचू से शेप बनती है, तो सॉन्ग से, मुझे तो इसका मेलोडी लग रहा है, सॉन्ग इज टू, बल्कि ट्यून होगा इसका, ट्यून, अब लिसन ही इज टू हियर एज लुक इज टू सी। अब आपको कोई कहता है लिसन, तो आप सुनते हैं उसको, हियर आगे लिखा हुआ है, एज लुक, अगर कोई कहता है लुक देखो, तो लुक इज़ टू सी होगा। अब अगला टेस्ट आप देख लें, इसमें एनालॉगी टेस्ट की अगली टाइप इन्होंने दी हुई है, पर्पज़ रिलेशनशिप, इनमें आपको दो लफ्ज़ दिए जाएंगे और उनका आप इसमें रिलेशन होगा कोई ना कोई, तो आपको अगले दो लफ्ज़ ऐसे सेलेक्ट करने हैं जिनका आप इसमें रिलेशन हो, जैसे उन वर्ड्स का आप इसमें है, जैसे इधर आप देख रहे हैं ए में ग्लव और बॉल। अब
क्रिकेटर होता है वो उसने ग्लव पहना होता है तो वो बॉल कैच करता है, ठीक है, विकेट कीपर जो होता है। तो अब इसमें आपका जो होगा हुक एंड फिश, हुक से फिश कैच होती है, ग्लव से बॉल कैच होता है, ये पर्पस रिलेशनशिप कहा जाता है। कॉज एंड अफेक्ट रिलेशनशिप, यानी कि आपने ये किया और उसका यह इफेक्ट हुआ। जैसे आपने इन एग्जांपल से समझ जाना है, आगे आपने ऑप्शन खुद सेलेक्ट करना है। कंप्यूटर में आपको, आप इसके ऊपर यूँ क्लिक करोगे वहाँ पे टिक बना आ जाएगा। तो अब रेस है, रेस आपने की तो फटीक, फटीक मतलब थकोगे, लाजमी बात है। तो अब आप देख लें इधर स्मोकिंग है, स्मोकिंग करेंगे तो लाजमी बात है डिज़ीज़ आपको लगेगी। तो इसका ये करेक्ट ऑप्शन बी है और ये आपने इस तरह सेलेक्ट करना है। अब आगे आप देख लें, अब क्लास, जैसे मुख्तलिफ़ चीज़ों की एक क्लास है, जैसे कि इंसान भी एक क्लास में आता है, जानवर की अलग एक क्लास है, और हर्बीवोर्स, ओमनीवोर्स, कार्निवोर्स, ये सारे अलग एक क्लास है चीज़ों की। तो अब देख लें ये इसमें आपको क्लास का रिलेशन शो करना है। तो आप देखें इसमें कि स्नेक इज टू रेप्टाइल, स्नेक जो है वो रेप्टाइल है, सारों को पता है। तो काओ, गाय जो है काओ, काओ क्या है, एनिमल है, जानवर है। सो आंसर सी इज़ करेक्ट, ठीक है। अब ये देखें आप अगला, पार्ट एंड होल रिलेशनशिप। इन दिस टाइप ऑफ रिलेशनशिप टू वर्ड्स रिप्रेजेंट द पार्ट ऑफ अ बिगर थिंग। इसमें दो लफ्ज़ जो होंगे ना वो बड़ी चीज़ का पार्ट शो करेंगे। जैसे अब लिरिक और ओड, ये जो हैं ये सॉन्ग को शो कर रहे हैं। तो इसमें आपने आगे ऐसी चीज़ सेलेक्ट करनी है जो बड़ी चीज़ का पार्ट शो कर रहे हों। अब देखें पहली एग्जांपल तो होने से रही, क्योंकि स्काई और अर्थ, अर्थ बड़ी चीज़ है तो ये नहीं हो सकता। बॉम्ब एंड साइंस, साइंस भी बड़ी चीज़ है, रेडियो एंड क्लॉक, ये भी बड़ी, ये अलग अलग कैटेगरी हो गई। हेड एंड लेग्स, ये करेक्ट ऑप्शन है, क्यों, क्योंकि ये हेड और लेग्स ये जो हैं ये ह्यूमन बॉडी को शो कर रहे हैं कि ह्यूमन बॉडी में हेड और लेग्स होते हैं, जैसे सॉन्ग में लिरिक और ओड होते हैं। अब आपको बताता चलूँ अगला टेस्ट जो है सीक्वेंस रिलेशनशिप, इसमें आपको सीक्वेंस शो करना है। जैसे स्प्रिंग इज़ टू समर, ठीक है। अब समर जो है वो पहला मंथ है और इस मंथ कह रहा हूँ, सॉरी, ये सीज़न, डिफरेंट टाइप्स आती हैं सीज़न की, समर, ऑटम, विंटर, स्प्रिंग। समर फर्स्ट है और स्प्रिंग लास्ट है, ठीक है। तो तो समर कम्स आफ्टर स्प्रिंग, ये बता रहे हैं कि समर जो है वो स्प्रिंग के बाद आता है। तो इनमें से जो एग्जांपल हैं, संडे जो है, हाँ इसी तरह मंडे कम्स आफ्टर संडे, जैसे, हाँ जैसे समर जो है, सॉरी पहले मैं गलत बता दिया आपको, समर जो है वो स्प्रिंग के बाद आता है, ठीक है। तो इसी तरह मंडे जो है वो संडे के बाद आता है। आगे प्लेस एंड इवेंट रिलेशनशिप, इन दिस टाइप ऑफ रिलेशनशिप अ प्लेस एंड हिस्टोरिकल इवेंट एंड मैनूमेंट्स आर एक्सप्रेस्ड एंड अकॉर्डिंगली सर्टेन सिचुएशंस आर गिवन। अब इसमें आपको ना मुख्तलिफ चीज़ें एसोसिएट हो रही हैं एक दूसरे से, तो आपको शो करना है कि ये क्या चीज़ है, आपको बताना है। अब देखें फर्स्ट एग्जांपल ले लें, लिब्रा, पाइसिस, स्कॉर्पियो। तो इसमें ए जो है, दे आर ग्रीक माइथोलॉजिकल गॉड्स, नहीं ये नहीं हो सकता। बी, दे आर स्टार्स, नहीं। सी, दे आर प्लैनेट्स, नहीं ये भी नहीं हो सकता। डी, दे आर साइंस ऑफ ज़ोडियक, ये करेक्ट आंसर है, क्यों, क्योंकि ये तीनों जो हैं वो ज़ोडियक साइंस हैं, वो जो किस्मत के सितारे बताने वाले होते हैं और ये सारी चीज़ें, ये इससे रिलेट करता है।
अब देखें इसी एक्सरसाइज की तरफ आ जाएं। ये भी इसी तरह के एकेडमी, यूनिवर्सिटी एंड कॉलेज, तीन चीज़ें हैं। तो आपको इसमें से खुद आप सोचें आप कि क्या है इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए। दे मीन्स दी सेम थिंग, दे डील विद द एजुकेशन ऑफ स्टूडेंट्स, दे आर ऑल इंस्टीट्यूशंस और दे आर कॉमन प्लेसेस ऑफ वर्शिप्स। इंस्टीट्यूशन तो बहुत होते हैं, और भी तरह के इंस्टीट्यूशन होते हैं, और ये वर्शिप प्लेसेस नहीं हो सकती, सेम थिंग भी नहीं कह सकते। ये जो हैं ये स्टूडेंट्स की एजुकेशन के साथ डील करते हैं ये तीनों चीज़ें। तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी। अब मंकी, एप एंड चिंपैंजी, दे आर हर्बीवोरस एनिमल्स, दे आर वर्टिब्रेट्स, दे आर प्राइमेट्स, दे आर लिव ऑन ट्रीज। तो इसमें बेस्ट और क्लोजेस्ट जो आंसर होगा, बाज़ औक़ात ऐसे भी आ जाते हैं कि आपको क्लोजेस्ट आंसर देना होता है, तो इसमें जो क्लोजेस्ट आंसर है वो दे आर पायरेमेट्स, प्राइमेट्स, सी है। सी किस तरह है? क्योंकि प्राइमेट्स टाइप होती है इनमें एनिमल्स की, और वो टाइप यही है मंकी, एप, चिंपैंजी। तो ये क्लोजेस्ट आंसर है, तो ये इसका आंसर होगा। बाकी तो हो नहीं सकते, हर्बीवोरस एनिमल्स ये हैं नहीं, और वर्टिब्रेट्स भी, और बाकी चीज़ें इतनी क्लोजेस्ट नहीं है जितनी ये है। तो जो चीज़ एग्जैक्ट डिफाइन कर रही है वो चीज़ आपको करनी है। आगे आ जाए, हाउस, अपार्टमेंट, बंगलो। तो इसमें दीज आर ऑल मेड ऑफ ब्रिक्स, दे आर फाउंड इन सिटीज, दे आर ड्वेलिंग प्लेसेस, दे आर दी नेम ऑफ रेजिडेंसेस। अब ये दो जो ऑप्शन है ना ये क्लोजेस्ट हैं, ठीक है। तो लेकिन अब ड्वेलिंग प्लेसेस मतलब रहने की जगह है जहाँ इंसान रहते हैं, और रेजिडेंसेस का मतलब जहाँ कोई भी रह सकता है, जानवर भी रहते होंगे रेजिडेंसेस, जानवरों को भी कंक्लूड किया जा सकता है। तो इसमें ड्वेलिंग प्लेसेस का मतलब होता है जिधर इंसान रहते हैं, तो ये क्लोजेस्ट है, तो इसका आंसर सी होगा। अब आप आगे देखें, फिंगरप्रिंट्स, इन्वेस्टिगेशन, पोस्टमार्टम। तो इतना तो अब आप लोग सीख ही होंगे कि आप लोग खुद ये सारी चीज़ें सॉल्व कर सकें, आपको समझ आ गई होगी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है मैं ये देखें, दे आर टर्म्स कनेक्टेड विद मेडिकल साइंस, नहीं, दे आर इन अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर, ये भी क्लोजेस्ट नहीं है। दे आर टेक्निकल टर्म्स जनरली यूज फॉर डिटेक्टिंग क्राइम्स, और दे आर प्रोसेसेस यूज्ड बाय क्राइम ब्रांच। जो क्लोजेस्ट है ना वो सी है, तो सी होगा इसका। अब आप अगला देखें, थैलोफाइला, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइट। तो अब इसमें देखें, जिन लोगों ने बायो पढ़ी हुई है उनको तो समझ होगी, जिन्होंने इंजीनियरिंग, प्री इंजीनियरिंग पढ़ी है वो भूल गए होंगे मैट्रिक में, उन्होंने क्या पता पढ़ा हो या ना पढ़ा हो। तो ऐसे बहुत कम ही आएंगे, ऐसे अगर आपके इसमें आप गैस भी कर सकते हैं, और टेंशन नहीं लेनी आपने कि ये इतने मुश्किल मुश्किल लफ्ज़ आ रहे हैं, ऐसे एक दो ही आते हैं। मेरा वैसे मतलब आपको आइडिया देने का है। तो इसका जो होगा एक करेक्ट आंसर है कि ये फ्लावरलेस प्लांट की टाइप है। तो आगे आप देखें, रेटिक्यूला, रेटिक्यूल, हैंडबैग और वेलाइस। तो इसमें आप देखें कि आप एक चीज़ को पकड़ें, उसमें से आप निकालें कि हाँ ये चीज़ हो सकती है। अब इन दो लफ्ज़ों का मतलब बहुत कम लोगों को पता होगा। हैंडबैग, हैंडबैग का मतलब सबको पता होता है, शॉपर जिसको हम लोग अपने पाकिस्तान में कहते हैं, हैंड कैरी, शॉपर, शॉपिंग बैग। तो अब यहाँ से आप चीज़ पकड़ें तो दीज आर सिनोनिम्स, नहीं, सिनोनिम्स नहीं है। दे आर यूज्ड बाय ओनली वुमेन, नहीं, मर्द भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दे आर अ पार्ट ऑफ मॉडर्न लाइफ, ये भी क्लोजेस्ट नहीं है। तो इसमें जो क्लोजेस्ट जो है, करेक्ट जो आंसर है वो बी है। दे आर यूज्ड फॉर कैरिंग स्मॉल पर्सनल बिलोंगिंग्स। क्या होता है मतलब कि छोटी जो चीज़ें हाथ में उठाने की हैं वो इनमें उठाई जाती हैं, शॉपिंग करने गए तो हैंड बैग, और ये इन चीज़ों के नाम हैं। अब आगे देखें, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, ये तो आपको देख के समझ आ गई होगी कि ये क्या चीज़ है। अब इधर इन्होंने लिखा, दे आर गैसेस, दे आर हेलोजेंस, दे आर फाउंड फ्री इन नेचर, दे आर पॉइजनस कंपाउंड्स। तो गैसेस तो हैं ही,
लेकिन क्लोजेस्ट जो है वो हेलोजेंस हैं, हेलोजेंस गैसेस हैं ये। पेरियोडिक टेबल वो जो होगा वो उसमें आपने पढ़ा होगा ये। अब पेटल्स, स्टेमेंस, स्टिग्मा, दे आर पार्ट्स ऑफ फ्लावर, वो तो है। और पेटल्स फ्लावर के पार्ट्स हैं, और ठीक है, दे आर पार्ट्स ऑफ प्लांट, प्लांट के भी पार्ट्स हैं। दे आर कंसर्न्ड विद पोलिनेशन ऑफ फ्लावर, दे आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ लीव्स। आपको याद होगा आपने बायो में टॉपिक पढ़ा था पोलिनेशन का, तो उसमें इन तीन चीज़ों का जिक्र बार बार होता था। तो आपने क्लोजेस्ट आंसर सेलेक्ट करना है जो कि है सी। अब इस टेस्ट की अगली सीरीज टेस्ट हो गया, ठीक है। वर्बल टेस्ट में अगली टाइप है सीरीज टेस्ट। इसमें होंगी मुख्तलिफ, आपको सीरीज़ मिल जाएंगी, आपको उसी हिसाब से आंसर निकालना होगा। जैसे आप देखें इधर, आप इधर चल रही है सीरीज़, जैसे 10, 4, 12, 4, 14, 4, 16। 4 को आप बीच में से छोड़ें, आप ये देखें 10, 12, 14, 16, 18, 2 ऐड होते जा रहे हैं। तो इधर आगे इसी तरह 20 और 4 इसी तरह लिख दिया जाएगा। ये आंसर है 20, 4, ठीक है। उम्मीद करता हूँ समझ आ गई होगी आपको, इतने इतना तो कोई भी डम नहीं होता। अब आगे आप देखें, डी ई एफ, एफ जी एच, एच आई जे, यानी बीच में एक एक वर्ड स्किप होता जा रहा है, एक एक वर्ड का गैप है। तो एच आई जे, जे के एल, एल एम एन, एम नहीं आएगा तो हम एन लिखेंगे, फिर एन के बाद एक लफ्ज़ स्किप करके पी, तो एन और पी करेक्ट आंसर हैं। अब आप आगे देखें, अगले क्वेश्चन में इन्होंने लिखा हुआ है 2, 7, 14, 23, 34, 47, 62। अब ये इन्होंने लिखा हुआ है कि ये सीरीज़ है, इसमें कंसेक्यूटिव नंबर बढ़ता जा रहा है विद अ डिफरेंस ऑफ टू, ठीक है। हाँ ठीक है, समझ आ गए। अब देखें, 2 में 5 ऐड किया तो 7 आया, ठीक है। 2 में 5 ऐड किया तो 7 आया। तो आगे 7 में 7 ऐड किया तो 14 आया। 14 में 9 ऐड किया, जैसे 3, 5, 7, 9, 11, 13, इस तरह के जो डिजिट है ना वो ऐड हो रहे हैं यहाँ पे। अब 7 में 7 ऐड किया, 14 आया। 14 में 9 ऐड किया, 23 आया। 23 में आगे 11 ऐड किया, 34 आया। 34 में आगे 13 ऐड किया, 47 आया। 47 में आगे 15 ऐड किया, 62 आया। और 62 में आगे 17 ऐड करेंगे तो 79 आएगा। और आगे उसमें 19 ऐड करेंगे तो 98 आएगा। तो यहाँ पे दो उन्होंने दिए हैं, तो आगे आपको उधर टेस्ट में तो आपके पास वो चॉइसेस होंगी, तो आपने वहाँ से सिलेक्ट करना होगा, तो उनमें से आपने ये सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। समझ आ गई होगी आपको। अब आप देखें इस टेस्ट में अगली जो सीरीज़ है, तो 7, 3, 21, ठीक है। आप ये देखेंगे, नंबर 1 की बात करूँ, 7, 20, 58, 171, ठीक है। अब आप ये देखें, 7, 20, 58, 171, एक सेकंड में देख लूँ, ये मैं देख रहा था वीडियो रिकॉर्डिंग हो रही है कि नहीं हो रही। अब आप देखें 7, 20, 58, 171, तो ये सीरीज़ चल रही है। अब सीरीज़ किस तरह की है ये, कि 7, 3, 21 होता है, 1 माइनस करके इधर 20 लिख दिया। अब 23, 60 होता है, इसमें माइनस 2 करके 58 लिख दिया। अब इसी तरह 58, 3, 0, तो अब 58, 3, 0 क्या होगा, 174 होगा, तो उसमें से 3 माइनस करके इधर 171 लिख दिया है। अब 171 को 3 पे मल्टीप्लाई करें, तो अब उसमें से 4 माइनस कर दें, 171 को आप 3 से मल्टीप्लाई करें और 4 माइनस कर दें, तो आपका आंसर आ जाएगा 509। ये आपका करेक्ट आंसर है। अब इसी तरह अगली सीरीज़ आप देखें, ए बी, इन दो लफ्ज़ों में कोई गैप नहीं है, आगे सी हो गया।
तो सी को स्किप कर दिया गया, एक एक वर्ड का गैप आ गया है, ठीक है। आगे डी ई एफ, आगे दो वर्ड्स स्किप कर दिए गए हैं, आगे जी आ गया है। तो इसी तरह आगे जब तीन वर्ड्स स्किप किए जाएंगे, जी एच आई जे ये स्किप हो गए, तो के आंसर आ जाएगा आपका। अब अगले इसमें अगली आप देख लें ए ई आई, अब आप देख लें इनमें कितना गैप है वर्ड्स में, ए और ई में कितना गैप है, ए बी सी डी ई फोर वर्ड्स का गैप है, तो ए और ई में फोर वर्ड्स का गैप है, ई और आई में फोर वर्ड्स का गैप है, इसी तरह आई और एम में फोर वर्ड्स का गैप है। तो करेक्ट आंसर जो आपका है इसमें एम है, थ्री की बात कर रहा हूँ। अब फोर की तरफ आ जाएं, फोर में आप देख रहे हैं टू फाइव नाइनटीन और 37। अब देखें इसमें टू टू ज़ार फोर फाइव टू ज़ार टेन माइनस वन नाइन टू ज़ार, हाँ ये मुझे समझ आ गया, ये मैं भी अभी देख रहा हूँ तो इसलिए आपको समझाने में थोड़ी मुझे कन्फ्यूजन हो रही है, उसके लिए सॉरी, क्योंकि ये चीज़ें मैं काफ़ी पहले की हैं। अब देखें टू मल्टीप्लाई बाई टू प्लस वन तो फाइव आ गया, टू टू ज़ार फोर प्लस वन फाइव, अब फाइव टू ज़ार टेन माइनस वन, एक में प्लस वन हो रहा है एक में माइनस हो रहा है और मल्टीप्लाई उसी तरह हो रहा है, मल्टीप्लाई बाई टू हो रहा है। अब नाइन टूज आर, नाइन को टू से मल्टीप्लाई किया एटीन आया, प्लस वन नाइनटीन हो गया, ठीक है। अब 19 को 2 से मल्टीप्लाई किया 38 आया, माइनस 1 किया तो 37 हो गया। अब 37 को 2 से किया तो 74 आ गया और प्लस 1 किया तो 75 आ गया, ये 75 आपका करेक्ट आंसर है। अब अगली एग्जांपल्स में आप चले जाएं, थ्री फाइव, हाँ अब इसमें देखें कि एक तरह से एक में थ्री का टेबल चल रहा है, एक में फाइव का चल रहा है, आप थोड़ा सा ध्यान देंगे आप कर लेंगे, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। देखें ये जो है थ्री, बीच में फाइव को छोड़ें, सिक्स नाइन ट्वेल्व फाइव टेन फिफ्टीन, ठीक है, फाइव टेन फिफ्टीन, फाइव टू ज़ार टेन, फाइव थ्री ज़ार फिफ्टीन, फाइव फोर ज़ार ट्वेंटी, इधर एक ट्वेंटी आना चाहिए और थ्री फाइव ज़ार थ्री फोर ज़ार ट्वेल्व थ्री फाइव ज़ार फिफ्टीन, हाँ बस इधर 20 आना चाहिए। तो अब आप समझ गए होंगे कि क्योंकि आगे 12 इधर है, इधर 15 है, तो इधर 20 आना चाहिए। अब इसी तरह अगली आप एग्जांपल देख लें 58 47। अस्सलाम वालेकुम।